हाँ, ये बट्रेस डैम करके हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। डिफिनेशन वगैरह क्या होता है, डायग्राम आपका इस तरह का डायग्राम इसका रहता है, ठीक है। देन आपका क्या था, बट्रेस डैम के बारे में कि क्या है इसका डिजाइन क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें हम लोग कंक्रीट के स्ट्रेंथ को, हेलो हेलो कंक्रीट के स्ट्रेंथ को हम लोग मेन कंसीडर करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो अमाउंट है बट्रेस का वो कम यूज होता है, कंक्रीट का कम यूज होता है। ग्रेविटी डैम में क्या कि डेड वेट को कंसीडर करते हैं, ये डिफिनेशन था। इसमें जो डेक स्लैब हम लोग यूज करते हैं, थिन यूज करते हैं, साइड में क्या करते हैं काउंटर पोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि लोड को ट्रांसफर करता है डेक से लेकर के फाउंडेशन सॉइल पे। ये डायग्राम आप लोग देखे थे जो लोग भी क्लास अटेंड किए होंगे, फिर देखे थे कि क्या इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं बट्रेस डैम के, ठीक है, उसमें क्या क्या पार्ट होता है। हाँ बोलो सर, आपका आवाज रुक, आवाज आपका रुक क्या रहा है? नहीं यार, आप लोग आवाज तो ठीक सुनाई दे रहा है, सही आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर आपका, अभी ठीक है अब? हाँ अभी थोड़ा ठीक है। जो डेक डेक जो था आपका, ठीक है, तो डेक डेक के बारे में देखे थे, डेक क्या होता है, फिर बट्रेस क्या होता है वो देखे थे, ठीक है। डायग्राम में भी आपको मैं बताया था कि आपका डेक स्लैब है, साइड से जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जिसको काउंटर फुट भी बोला जाता है, जिसका शेप आपका ट्रेंगुलर होता है उसको बोलते हैं डेक बोलते हैं, ठीक है। और जो अप स्ट्रीम होता है वो आपका स्लोपी दिया जाता है, ये इसकी एक एडवांटेज में भी था। एक लैटरल ब्रेसेज होता है जो जो दो काउंटर फुट है। हेलो हेलो यस सर। हाँ, तो फिर लैटरल ब्रेसेस, लैटरल ब्रेसेस क्या था आपका कि जो बट्रेस को ज्वाइन करने के लिए जो प्रोवाइड करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल ब्रेसेस बोलते हैं, ठीक है, ताकि बकलिंग वगैरह ना हो। फिर फाउंडेशन मैट प्रोवाइड करते हैं, ये देखो लैटरल ब्रेसेस, ये डायग्राम दिख रहा? यस सर। हाँ, ये आपका काउंटर, ये जो लेंथ क्या लोगे, ये आपका डेक हो गया, ये आपका काउंटर फुट हो गया, इस दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो हम लोग करते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया आपका लैटरल ब्रेसेज हो गया, ठीक है, इसी को लैटरल ब्रेसेज बोले थे। एडवांटेज, हेलो, तुम लोग वीडियो तो ऑन करो, बता बोल रहा हूं मैं, समझ नहीं आ रहा क्या? जो लोग कर सकते हो बोल रहा हूँ कि रिकॉर्ड हो रही है। एडवांटेज, एडवांटेज पढ़े थे, फिर एडवांटेज में वन बाय वन बोले, एडवांटेज में हम लोग देखे थे कि क्यों क्या इसका फायदा है आपका, ठीक है, ये सब। फिर अपलिफ्ट वगैरह की, अपलिफ्ट का प्रॉब्लम नहीं होता चूंकि इसमें वेट कम यूज होता है। वीक फाउंडेशन पे भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। रीजन इसका क्या था आपका कि साइड से चूंकि हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट जो वाटर का था आपका, चूंकि स्लोपी सरफेस देते हैं तो वाटर आपका स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपके डैम को। ये फिर डायग्राम वगैरह देखे थे, डिसएडवांटेज भी देखे थे, क्या डिसएडवांटेज था, थिनर सेक्शन के कारण डिटोरिएशन हो जाता है आपका। फिर है कॉन्क्रीट को सेव करते हैं लेकिन उसके बदले हमें क्या पड़ता है, इन रिटर्न रिइंफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि इसमें साइड से साइड का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होता है, इस सबको कंस्ट्रक्ट करने के लिए फॉर्म वर्क ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, क्या लिखा है बताना जरा आप फटाफट, एस्याम अहमद क्या लिखा है? एस्याम साहिबा पढ़ना तुम, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बट्रेस डैम। देखिए यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन अ बट्रेस डैम आर सिमिलर टू दोस एक्टिंग ऑन द ग्रेविटी डैम एंड आर्च डैम, एक्सपेक्ट दैट।
हाँ बस देखिए, मेनली जो हम लोग इसमें पढ़े थे पहले, आप ग्रेविटी डैम पे क्या क्या फोर्स एक्ट करता है वो आप डिटेल में पढ़ चुके हो, तो मेनली इस पे भी वही सारे फोर्स ऑलमोस्ट एक्ट करते हैं जो आपको ग्रेविटी डैम पे एक्ट करते हैं, ठीक है। वाटर का प्रेशर है या विंड प्रेशर जो भी है, कुछ एक्सेप्शन है, क्या है, सारे फोर्स वही है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है वो मेनली डिफरेंस आपको रिमेम्बर करना है, क्योंकि ऑलरेडी सारे फोर्सेज आप पढ़ चुके हो। ये भी कंक्रीट का ही बना होता है, तो सारे, ठीक है, वाटर का फोर्स या डेड वेट या आइस स्ट्रक्चर या अर्थ क्यों क्या वेव प्रेस, सारे फोर्स वही है, बस कुछ चीजें क्या है आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट वन, डाउनवर्ड कंपोनेंट ऑफ वाटर प्रेशर इज ग्रेटर, रीजन क्योंकि स्लोपी सरफेस हम लोग देते हैं, उसके कारण क्या होता है आपके स्लोपी सरफेस के, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, उस पर आपका वाटर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, ये स्लोपी सरफेस दे रहे हैं, ठीक है, तो जो नीचे जो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसके कारण क्या होता है कि डाउनवर्ड कंपोनेंट ज्यादा होता, अपलिफ्ट प्रेशर इज लेस ड्यू टू लैटरल एस्केप ऑफ द अपलिफ्ट प्रेशर अंडर द बट्रेस, जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो आपका बट्रेस उसको सस्टेन कर लेता है, तो मेन जो कंपोनेंट आपका जो डेस्क स्लैब है, ठीक है, ये जो डेस्क स्लैब जो दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इसपे आपका अपलिफ्ट प्रेशर ज्यादा नहीं आता है, आइस प्रेशर इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, रीजन ये है कि जो स्लोपिंग सरफेस प्रोवाइड, सर आवाज नहीं आ रहा सर, बहुत ज्यादा आवाज कट रहा है। हाँ हेलो हेलो सर, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, एक बार जरा फटाफट आप लोग अपना वीडियो ऑन करना, क्या मतलब इशू है, कनेक्ट आया नहीं हो रहा। हाँ सर, हम दिखाई तो दे रहे, तुम साहिबा भी दिख रही, आवाज सुनाई दे रही है अभी सर, आवाज आ रही है। हाँ यस सर। हाँ ये देखिए, हाई प्रेशर यहाँ पे क्या लिखा है जरा पढ़ना, एग्जाम पढ़ना, थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट सर, सर इज नो इम्पोर्टेंट एज आइस बिग, देखिए आइस प्रेशर यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं होता है, रीजन क्या, स्लोपिंग डेक बनाते हैं, ठीक है, जस्ट स्ट्रेट नहीं बनाते हैं, स्लोपिंग करते हैं, उसके कारण क्या, जो आइस मान लीजिए अगर आइस जब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नीचे स्लाइड कर जाएगा, ठीक है, तो वो लोड आपको नहीं दे पाता है, ठीक है, तो ये आपको एक ध्यान सारे वही लगते हैं, बस अपलिफ्ट प्रेशर लेस होता है, वाटर का डाउनवर्ड प्रेशर ग्रेटर होता है, क्यों डाउनवर्ड ग्रेटर होता है मैं बता चुका हूँ, अपलिफ्ट कम क्यों होता है, रीजन कि बट्रेस प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिसके कारण अपलिफ्ट प्रेशर आपका उधर थोड़ा मतलब डेविएट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा वो बट्रेस आपको उसको कवर करने लगता है। आइस प्रेशर आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, रीजन इसका यह है कि हम लोग स्लोपिंग डेक देते हैं, स्लोपिंग मतलब थोड़ा सा स्लाइड करके एंगल पे प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण सारा का सारा आइस क्या है आपका जो नीचे चला जाएगा, ऊपर मतलब जमा नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसके कारण आइस प्रेशर को इम्पोर्टेंट नहीं देते। फिर आपका है विंड प्रेशर, विंड प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, अगर मान लीजिए सर आवाज कट रही है, हेलो, जो विंड है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम साइड में सर आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। अच्छा दोबारा ज्वाइन करोगे सर, आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है सर। नेटवर्क तो है यहाँ पे सही है, मतलब नेटवर्क तो फुल नेटवर्क है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है। सर आवाज बहुत कट रही है लेकिन। अच्छा आवाज बहुत कट रही है आपकी, रुक जाइए रुक जाइए। लास्ट पढ़ना तो साहिबा, तुम लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल मास रिलेटिवली टू द रिजिड ऑफ इंडिविजुअल यूनिट स्लैब एंड राउंड हेड बट्रेस डैम आर इफिशियंट इन द रेजिस्टेंस अर्थक्वेक फोर्स, रेजिस्टिंग इन द अर्थक्वेक फोर्स,
हाँ देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें हम लोग चूंकि अलग अलग सब कुछ बनाते हैं, स्लैब हो गया, बट्रेस हो गया, ठीक है, जिसके कारण इसका मास बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, तो जो अर्थक्वेक फोर्स रेसिस्टिंग फोर्स जो होता है, ठीक है, इसको ये रेसिस्ट करने में फायदेमंद होता है, ठीक है। लेकिन बट जब भी हम लोग ग्रेविटी डैम की बात करते हैं तो उसको एज अ सिंगल स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं, जिसके कारण ज्यादा मास उसका ज्यादा होता है। जनरली आप देखते हुएगा अर्थक्वेक जब आती है तो उस केस में क्या होता है, जो आपका हेवी मास का जो भी मतलब फाउंडेशन या स्ट्रक्चर है, जो भी बिल्डिंग है, वो उसके डैमेज होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है, एज अ सिंगल मास अगर आप बना रहे हो। बट अगर जो कम इफिशियंट के इंडिविजुअल अलग अलग करके करते हैं, जिसका मास कम होता है आपका, ठीक है, वो आपका डैमेज उतना नहीं होता अर्थक्वेक में की बात मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो है आपका ये क्या लिखा है, पढ़ना तो फैल types of buttress dam, rigid buttress dam, test slab buttress dam, bulkhead buttress dam. हाँ देखो अभी जो फोर्स की बात किए थे हम लोग, तो फोर्स इसमें सारे आपके वही लगते हैं जो आपका ग्रेविटी डैम में लगता है, ठीक है। तो फोर्स फोर्स के तो बस कुछ जो डिफरेंस है, ये मेन आपको डिफरेंस चार पांच जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या है। अगर पूछेगा कि जो आपका क्या बोलते हैं बट्रेस डैम, बट्रेस डैम भी आपका वही है कंक्रीट का ही बनाते हैं, ग्रेविटी डैम भी कंक्रीट का ही बनाते हैं, तो व्हाट इज मतलब जो फोर्स एक्टिंग है दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चार पांच पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हेलो नेक्स्ट जो है आपका टाइप्स ऑफ बट्रेस डैम, ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ आर्च डैम था आपका कॉन्स्टेंट रेडियस कॉन्स्टेंट एंगल इस तरह से, तो टाइप्स ऑफ बट्रेस डैम है जो कि आपका तीन टाइप का होता है। फर्स्ट वन आपका बट्रेस डैम है, डेक स्लैब बट्रेस डैम, नेक्स्ट है आपका बल्कहेड बट्रेस डैम। वन बाय वन देखिए डायग्राम से आपको समझ में आएगा। देखिए रिजिड बट्रेस डैम का क्या मतलब होता है, पढ़ना जरा इसे, कौन पढ़ोगे, अर्शद पढ़ना तुम, अर्शद? यस सर। पढ़िए इसको जरा, रिजिड बट्रेस डैम का डेफिनेशन पढ़िए। Rigid buttress dam have rigidity of construction. The upstream sloping deck is made of monolithic with the buttresses. ठीक है। पढ़िए आगे पूरा definition पढ़िए। Rigid buttress dam are suitable as high dams. The shapes of buttress and layout of arches can be made to get best advantage of the foundation. अब ठीक है, चलिए देखिए, अब ध्यान से सुनिए। जो रिजिड रिजिड वर्ड से ही आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि रिजिड का क्या मतलब है ऑलरेडी जानते होगे आप, बहुतों बार सुने होगे अभी तक। तो देखिए जब जो कंस्ट्रक्शन जो हम लोग बनाते हैं, अगर वो रिजिड कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, जब आप घर वगैरह बनता हुआ देखते हुएगा, तो ऐसा नहीं है कि बीम अलग बनाते हैं कॉलम अलग बनाते हैं, ठीक है। तो एक टर्म होता है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, जो कि आपसे पूछा जा सकता है कहीं भी इंटरव्यू में कि मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि एज अ टुगेदर यूनिट जब हम लोग चीजों को बनाते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे बोलते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ना कि अलग अलग। तो जो सारे डेक स्लैब है बट्रेस है वो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन, जब आप घर में भी देखते हुए घर में जब मतलब वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार पहले कॉलम को बना देते हैं अलग फिर साइड से दीवार को बनाना शुरू करते हैं, साथ साथ में दोनों काम एक साथ चलता रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक, मतलब अगर बाहर से देखा जाए तो एज अ सिंगल यूनिट वो काम करेगा, ठीक है। मोनो का मतलब भी होता है सिंगल, मोनो मतलब वन, ठीक है। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन यानी कि दो पार्ट जो इसके कंपोनेंट हम लोग देखे थे, जो डेक था आपका और जो बट्रेस था, ठीक है, ए बट्रेस और डेक क्या था आपका, तो इस दोनों को एक साथ बनाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले डेक बना दिए और उसके बाद बट्रेस अलग से बना रहे हैं, ठीक है। हेलो जी सर। हाँ फिर लिखा है आपका रिजिड बट्रेस डैम्स आर सुटेबल एज हाई डैम, क्योंकि मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जनरली अगर हाई डैम बनाना हो, ज्यादा हाइट का बनाना हो, जहां पे मान लीजिए हमको ज्यादा हाइट ऑफ वाटर स्टोर करना है, वाटर का प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, उस केस में हम लोग जनरली ये बनाते हैं और शेप वगैरह क्या करते हैं, इसको लेआउट थोड़ा आर्च की तरफ रखते हैं ताकि फाउंडेशन का ज्यादा यूज होता है। वो मैं आपको बताया था दो टाइप का होता है आपका रिजिड बट्रेस डैम, एक मल्टी आर्च डैम, एक मल्टीपल डोम बट्रेस डैम। देखिए अभी डायग्राम में आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, नेम से भी क्लियर है, मल्टी आर्च मतलब
जो बहुत सारा आपका आर्च जो होगा ज्यादा होगा, मतलब सर्कुलर शेप में उसको आप देखे हो अभी डायग्राम में, ठीक है, अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये देख रहे हो आप, हाँ क्या है, एक ए आर्च टाइप का हुआ, ए आर्च हुआ, ए भी आर्च दिख रहा, इसमें बहुत सारे आर्च हैं, ठीक है, बट्रेस भी आपका प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, और मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन मेन टर्म है कि मोनोलिथिकली हम लोग क्या करते हैं, डेक स्लैब को और ये जो साइड से जो वॉल प्रोवाइड कर रहे हैं उसको मोनोलिथिकली प्रोवाइड कर, ऐसा नहीं कि इधर से आप देखोगे साइड से तो आपको उधर का वॉटर दिखेगा, वो एक वॉल की तरह दिखेगा, ठीक है, जो वॉल जो बना रहे हैं डेक स्लैब लंबा वॉल जो बना रहे हैं और साइड से जो ये सपोर्ट जिसको बट्रेस हम लोग बोलते हैं या काउंटर फुट बोलते हैं, ये सारे के सारे एक साथ ही बनाते हैं, ये आपका रिजिड डैम हो गया, मल्टी आर्च डैम। चलिए चलो इसको साहिबा पढ़ना जरा इसको, मल्टी आर्च डैम, इट कंपेयर्स एज अ सीरीज ऑफ इंडिविजुअल including arch supported by the buttresses, the water load is transferred from arch to the foundation पहले video on करो तुम पहले the उसके बाद buttresses video on करो उसके बाद पढ़ना, हाँ आप पढ़िए। It compare a series of including arch compare नहीं है comprises है comprises It comprises a series of including arch supported by the buttresses. The water load is transferred from arch to the foundation through the buttresses. The arch may be of uniform thickness or of variable thickness. The main consideration are slope of upstream face, central angle of each arch and buttress shaping. तुम नींद में हो क्या? नहीं सर। क्या मतलब इंक्लाइन को इंक्लूड पढ़ रहे हैं, स्पेसिंग को क्या पढ़ रहे हैं, मतलब इंक्लाइन ऊपर में क्या था, इंक्लूड पढ़ रहे इसको तुम? अच्छा चलिए देखिए इसमें क्या करता है, नेम से क्लियर है, ठीक है, मल्टी आर्च डैम मेन है कि आपका मल्टी आर्च डैम नेम से ही क्लियर है, ठीक है, कि आर्च इसमें बहुत सारे होंगे, ठीक है, और बट्रेस क्योंकि आर्च बेसिक डिफिनेशन जो बट्रेस का है तो उसमें क्या होता है ट्रायंगुलर शेप में हम लोग प्रोवाइड करते हैं और थोड़ा सा क्या होता है इंक्लाइंड होता है, ये तो जो आर्च भी बना रहे हैं हम लोग वो भी इंक्लाइंड बना रहे हैं, ठीक है, और जो क्योंकि बट्रेस से आपका सपोर्ट में होता है, इट कंप्लीट सीरीज ऑफ, सीरीज मतलब बहुत सारे वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन आपका इंक्लाइंड आर्च होगा जो कि बट्रेस से सपोर्ट होता है, ठीक है, और वाटर लोड का वही बेसिक है जैसे ट्रांसफर होगा आर्च से आपका फाउंडेशन पे जाएगा थ्रू द बट्रेस, बट्रेस मतलब मीडिएटर का काम करता है, बीच का काम करता है, ठीक है, बट्रेस क्या करेगा आपका जो वाटर लोड आपका आर्च पे आया या डेक स्लैब पे आया वो आपका बट्रेस पे आएगा, फिर बट्रेस क्या करेगा सॉइल फाउंडेशन को आपको प्रोवाइड करेगा, ट्रांसफर करेगा या ट्रांसमिट करेगा, ठीक है, आर्च का थिकनेस यूनिफॉर्म भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है, सबसे मेन चीज जो आपको ध्यान रखना है वो जो अपस्ट्रीम में स्लोप जो प्रोवाइड करते हैं, सबसे मेन फंक्शन यही है आपका जो बट्रेस डैम हम लोग देते हैं उसका यही है कि ये इंक्लाइंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, देखिए इस तरह का होता है, देखिए डायग्राम देख लीजिए आप लोग, ये डायग्राम दिख रहा जी सर, हाँ ये इस तरह का जनरली होता है, आपको साइड से जब साइड व्यू देखिएगा तो लगभग ये देखिए आर्च डेक है, एक देखिए एक आर्च एक सीधा डेक भी हो सकता है लेकिन ये आर्च शेप में दिया गया है थोड़ा सा, ठीक है, कर्व शेप में आपको दिख रहा होगा, ये आपका हो गया आर्च डेक, ठीक है, मल्टी आर्च डेक। ये देखिए जो नेक्स्ट है आपका सेकेंड वाला जो है, ठीक है, सेकेंड क्या था आपका, पहला था आपका रिजिड डैम, फिर था आपका डेक स्लैब, ठीक, हाँ वो तो उसके अंडर में था, ठीक है, रिजिड डैम के अंदर, रिजिड बट्रेस डैम के अंदर में जो सेकेंड टाइप है आपका डेक स्लैब बट्रेस डैम, श्याम जरा इसको पढ़ना फर्स्ट पॉइंट। यस सर, मल्टी मल्टी का लिखा हुआ है, हाँ हाँ सुना, देखो पढ़िए इसको। यस सर, Deck slab buttress dam. Deck slab buttress dam is made of a flat reinforced
concrete slab spanning across a series of parallel buttress which rest directly on the foundation or upon a concrete slab resting on the foundation material. हाँ ठीक है ठीक चलो सिंपल है आपका ये तो नेम एकदम सिंपल ये सिंपल कंस्ट्रक्शन में बहुत ही सिंपल होगा. इट इज मेड ऑफ अ फ्लैट रिइंफोर्स. फ्लैट मतलब क्या होता है सीधा ठीक है. तो रिइंफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब जैसे हम लोग बनाते हैं जैसे छत जब जब आप घर बनाते हो तो छत को बनाने के लिए जो यूज करते हो उसी को आप समझिए कि छत नहीं है उसको आप ग्राउंड पे लाइए. जैसे वॉल जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं उस डायरेक्शन में जो वॉल समझ लीजिए कि वॉल जो है आपका वो कॉन्क्रीट का वॉल आप बना रहे हो ठीक है. तो वही है आपका डेक स्लैब बट्रेस डैम इज अ मेड ऑफ अ फ्लैट रिइंफोर्स कॉन्क्रीट स्लैब स्पैनिंग अक्रॉस अ सीरीज ऑफ पैरेलल बट्रेस. अब उसमें क्या होगा कि पैरेलल में एक बट्रेस प्रोवाइड करते जाएंगे उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और जो बट्रेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो तो या तो डायरेक्टली सॉइल पे होगा या कभी कभी ये भी करते हैं कि अगर मान लीजिए सॉइल वीक है आपका ठीक है उसमें क्या करते हैं हम लोग फाउंडेशन के ऊपर थोड़ा सा एक कॉन्क्रीट स्लैब प्रोवाइड कर देते हैं और फिर उसके ऊपर क्या करते हैं आप इसको बनाते हैं बट्रेस को बनाते हैं ठीक है. नेक्स्ट फेल पार्ट सेकेंड पॉइंट The water pressure is transmitted by the slab to the buttress. सर एक्चुअली हम थोड़ा अपना गाड़ी निकाल रहे हैं हम कहीं ऑटो स्टेशन जा रहे हैं यहाँ से तो ठीक है. वाटर प्रेशर इज ट्रांसमिटेड बाई द स्लैब टू द बटरेस. द मेन ले आउट ऑफ कंसिडरेशन आर स्पेसिंग ऑफ द बटरेस एंड द शेप ऑफ द बटरेस हेड टू द सपोर्टेड टू द सपोर्ट to support the slab. The buttress spacing depending on the height of the dam varies. रुक जाइए. Second point को करते हैं. Second point क्या था आपका? The water pressure is transmitted by the slab to the buttress. ये बात already पहले भी हो चुकी है, ठीक है? कि जो water आपका slab पे, water का load जो आपका slab पे होता है, फिर वो transmit होता है buttress पे. Main है कि वो कितना spacing देना है, ठीक है? और spacing main जो उसका layout का जो consideration है कि spacing कितना देना है और उसका shape क्या रखना है हमें, ठीक है? जो कि स्लैब को सपोर्ट करता है. फैजान थर्ड पॉइंट पढ़ना तुम. सिंपल है. The buttress spacing depending on the height of dam varies from 5 to 15 meter. The extreme slope of the slab may vary between 35 degree to 45 degree with the horizontal. ठीक है. ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है. जो स्पेसिंग सिंपल सी बात है अगर डैम का हाइट ज्यादा होगा ठीक है तो स्पेसिंग हमें कम रखना पड़ेगा ठीक है. डैम का ज्यादा हाइट होगा तो स्पेसिंग कम रखना पड़ेगा और हाइट कम है तो स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा भी रख दीजिएगा तो ज्यादा कोई इशू नहीं है ठीक है उस केस में. तो ये चीज आपको ध्यान रखना. और वेरी कितना करता है फाइव और किस पे डिपेंड करता है तो हाइट ऑफ द डैम पे डिपेंड करता है और जनरली 5 से 15 मीटर तक हम लोग जनरली लेते हैं. दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज होता है जो आपका अपस्ट्रीम स्लोप जो होता है जो बताया था मैं आपका जो इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है जो तो 35 टू 45 डिग्री हम लोग स्लोप रखते हैं. चलो ये इस तरह का है देख लीजिए डायग्राम दिख रहा है आप लोग को. यस सर कितना अच्छा दिख रहा है ना. इसके ऊपर से देखिए गाड़ी भी चल रही है. ये दिखा डायग्राम सब लोग को. एग्जैक्टली ऐसा ही होता है आपका बट्रेस डैम जो होगा जो आपका डेक स्लैब वाला बट्रेस डैम है वो ऐसा ही होता है ठीक है. नेक्स्ट देखिए ये आपका इस तरह का हो गया मतलब प्लान में वो तो आपका रियल व्यू हो गया जो देखने में लगता है लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो देखिए डेक स्लैब आपका सीधा है ये फिर आपका साइड से इस तरह का मतलब पॉइंट पे जब आप देखिएगा ठीक है. ये आपका बट्रेस हो गया बीच में जो प्रोवाइड करते हैं हम लोग स्ट्रट्स बोलते हैं और नीचे जो एक्सटेंशन जो देते हैं ठीक है ताकि परवियस रहे इम्परवियस रहे वाटर आपका नीचे से लीकेज ना हो. ये पूछ दिया जाता है कभी कभी कि कट ऑफ क्या होता है तो कोई भी डैम में डैम को जो हम लोग नीचे ग्राउंड में एक्सटेंड करते हैं जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता है ताकि सीपेज ना हो ठीक है तो इसी एक्सटेंडेड पोर्शन को कट ऑफ बोलते हैं. कभी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि कट ऑफ क्या होता है तो वहां पे मत बोल दीजिएगा कि एग्जाम का जो मार्क्स मिनिमम मार्क्स होता है जो बच्चे वो कट ऑफ होता है वो दूसरा चीज है वो वहां पे है. लेकिन सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब वाटर रिसोर्स में आपसे पूछा जाए कि कट ऑफ क्या होता है कोई भी डैम वगैरह जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उस डैम के होल जो कंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ कुछ पोर्शन को ठीक है अपस्ट्रीम साइड में हम लोग क्या करते हैं थोड़ा नीचे डेप्थ प्रोवाइड करते हैं वो जो एक्सटेंडेड पोर्शन है उसी को क्या बोलते हैं कट ऑफ ठीक है. नेक्स्ट
देखिए फिक्स्ड डेक स्लैब बट्रेस डैम है, फिक्स्ड या कंटिन्यूअस डेक स्लैब बट्रेस डैम जो होता है इसका वही मोनोलिथिकली कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, ठीक है, उसमें कुछ एक्सपेंशन ज्वाइंट वगैरह भी दे देते हैं हम लोग। ये इसी का टाइप है, डेक स्लैब का टाइप है, ठीक है, सिंपल डेक स्लैब, नेम से ही लग रहा है प्री डेक टाइप होगा, ठीक है। Reinforcement is placed at the downstream face of the deck slab and is suggested susceptible to rusting. This type of dam is suitable for the wide well with poor foundation. ठीक है, जहाँ पे foundation वगैरह कमजोर है उस केस में इसको हम लोग provide करते हैं। Cantilever name से clear आपको लग चल रहा होगा कि cantilever का कैसा होगा, ठीक है। इसको जरा पढ़ना कौन पढ़ेगा, फैजान पढ़ना जरा इसको। हेलो हेलो सर, हाँ इसको पढ़ो जरा फैजान। यस सर, पढ़ नहीं रहे तुम साहिबा, इसको पढ़ना तो। अच्छा चलो पढ़ो फैजान, पढ़ो। क्या लिखा है? डेक स्लैब बटरेस डैम कैंटिलीवर कैंटिलीवर डेक बटरेस डैम इन दिस टाइप्स ऑफ डैम एज द मेन इंप्लाइज द स्लैब इज लेड मोनोलिथिक विद द बटरेस बट कैंटिलीवर्ड एट बोथ एंड विद प्रॉपर जॉइंट्स एट द बोथ एंड और एट द सेंटर द वाटर लोड इज ट्रांसफर्ड टू द सपोर्टिंग बटरेस बाय कैंटिलीवर एक्टिंग ऑफ डेक and reinforcement is provided at upstream face in the view of cantilever action. It is subjected to high stress due to temperature, shrinkage and foundation settlement. देखिए वही लिखा है कि नेम से ही क्लियर है, कैंटिलीवर ऑलरेडी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रक्चर सब पढ़ चुके हो, कैंटिलीवर बताने की आवश्यकता नहीं कि कैंटिलीवर क्या होता है, ठीक है, बताना जरूरी है या जानते हो ना आप लोग कैंटिलीवर क्या होता है, कैंटिलीवर बीम बताना कोई। देख तो नेम से ही आपका क्लियर है कि कैंटिलीवर डेक बट्रेस डैम में क्या होगा कि जो स्लैब, ठीक है, स्लैब को तो हम लोग तो मोनोलिथिक बनाते हैं बट्रेस के साथ, बट दोनों एंड पे क्या करते हैं कैंटिलीवर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब कैंटिलीवर कैसे होता है जरा देखिए, आपको डायग्राम में दिख जाएगा। ये लास्ट एक टाइप है आपका बल्क हेड बट्रेस डैम, साहिबा इसको पढ़ना जरा बल्क हेड बट्रेस डैम को। इट इज अ टाइप ऑफ बट्रेस डैम इन विच द फोर्स द फेस स्लैब is replaced by flattening the upstream edge of the buttress with a massive head forming the water supporting member. The massive head and the buttresses through independent structure unit behave as one monolithic unit for the stability of the dam section. देखिए इसमें क्या है कि जो bulk head, bulk क्या क्या मतलब होता है, ज्यादा, ठीक है, बल्क का मतलब सिंपल सा मीनिंग आप जानते हो, ये का ज्यादा। तो बल्क हेड बट्रेस डैम जो है इसमें बेसिकली क्या होता है, जो फेस स्लैब है तो फेस स्लैब ने प्रोवाइड करते हैं अपस्ट्रीम एज में क्या करते हैं हम लोग जो बट्रेस के साथ उसका मतलब क्या करते हैं कि ज्यादा मतलब का ज्यादा वो प्रोवाइड करते हैं। आवाज कट रही है। अच्छा रुक जाइए, अभी ना टाइम भी ये होने वाला है तो एक बार दोबारा जरा आप ज्वाइन हो तो, ठीक है, दो मिनट एक मिनट बचा है, इसको आज कम्प्लीट ही कर देते हैं, ठीक है, एक बार दोबारा मैं एक बार वो करता हूँ, फिर लो आप लोग दोबारा एक बार मतलब वो होना। सर हाँ हेलो, हाँ बोलो सर, हमको ट्रेनिंग में जाना है सर, टाइम हो गया, ठीक है सर, तुम हमको जाओ। भी जाना है सर, बाहर जा रहे सर, गाड़ी में बैठे हुए हम सर। कहाँ, किसको, फैजान को ट्रेनिंग में जाना है ना। हेलो, देखो यस सर, इस टाइप का होता है, देखो आप बल्क हेड बट्रेस डैम जो है, जाए ना सर, अभी रुक जाओ, खत्म करो इसको, उसके बाद देखो बल्क हेड बट्रेस डैम अभी फटाफट अपना लोग सब लोग वीडियो ऑन कर लो फटाफट, समझे, लास्ट है अभी, ठीक है। ये इस तरह का होता है, लेट हो रहा है सर, कहीं बाहर निकल रहे गाड़ी में। ये इस तरह का होता है, देखिए बल्क हेड बट्रेस, ये देख रहे हैं थोड़ा सा हेड जो हम लोग ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये ज्वाइंट दे रहे हैं, इसी को बल्क हेड बोलते हैं, विड्थ देख रहे हैं, ये आपका ज्यादा है, ठीक है, इसलिए इसको बल्क हेड बोला जाता है। ये आपका मतलब प्लान में दिख रहा है, इस तरह का आपका दिखेगा,
नेक्स्ट देखो ये आप खुद से पढ़ लेना, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ बटरेस डैम, मतलब किसके बेसिस पे हम लोग कौन सा बटरेस डैम सिलेक्ट करना है वो डिसाइड करते हैं, तो फाउंडेशन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं, फिर स्पिलवे का क्या रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए फाउंडेशन रॉक जैसा होगा, सॉइल फाउंडेशन आपका, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा बटरेस डैम हमें बनाना है, ठीक है। कहीं आप इन्वेस्टिगेट करने गए, वहां पे सॉइल देखे, ठीक है, सॉइल को टेस्ट करिए, सॉइल टेस्ट करने पे जैसा पता चलेगा उसके हिसाब से आप वहां पे बटरेस डैम बनाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये सब तो बुक वगैरह है, चलो रुक जाओ, स्टॉप शेयर, सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन करना, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेता हूँ जल्दी से, टाइम भी खत्म होने वाला है। श्याम फैजान जल्दी ऑन है सर, हाँ चलो वीडियो ऑन है सर, ठीक है, तुम्हारा तो नहीं दिख रहा।